बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में गिरफ्तार शूटर से पूछताछ में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जी हां, मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईद के दिन ही पनवेल फार्म हाउस पर सलमान को टारगेट करना चाहते थे बिश्नोई गैंग के ये दोनों शूटर, और ईद के दिन ही दोनों शूटर्स ने सलमान पर फायरिंग करने का भी प्लान तैयार किया था। लेकिन ईद पर सलमान के सेलिब्रेशन की लोकेशन चेंज किए जाने पर शूटरों को भी अपना प्लान बदलना पड़ा था। ये बड़ा खुलासा हुआ है। सलमान के फार्म हाउस पर हमला करने की प्लानिंग थी, लेकिन दरअसल जो ईद का सेलिब्रेशन था उसकी लोकेशन सलमान खान की फैमिली ने चेंज कर दी, और ऐसे में ये जो प्लान है वो शूटरों को बदलना पड़ गया। तो देखिए, शूटर्स का ये नया प्लान डिकोड हुआ है। जानकारी मिल पा रही है कि सलमान खान अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर ईद मनाने के लिए जाना था उनको, लेकिन उन्होंने एंड मौके पर अपनी जो लोकेशन है वो चेंज कर दी, जिसके बाद इन शूटर्स को अपना प्लान बदलना पड़ा। नहीं तो जानकारी यही मिल पा रही है, जो पर्दाफाश हुआ है शूटर की तरफ से जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि उनकी प्लानिंग यही थी कि ईद के दिन ही सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर वो शूटिंग करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिवाकर हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। दिवाकर, और क्या डिटेल्स मिली है अब तक की पूछताछ में? देखिए, जिस तरह से सूत्रों से पूछताछ चल रही है उसके मुताबिक साफ तौर पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि ईद के दिन 11 अप्रैल के दिन जो है सलमान खान खुद गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बालकनी में आए थे और वहां पर उन्होंने फैंस से जो है मुलाकात भी की थी, क्योंकि फैंस लगातार उस दिन उनके घर के सामने मौजूद थे। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया, तो उस सीसीटीवी में बाकायदा जिस गाड़ी का इस्तेमाल फायरिंग के दौरान 14 अप्रैल को किया गया, वही गाड़ी 10 अप्रैल और 11 अप्रैल के दिन जो है सलमान खान के उसी घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के कुछ दूरी पर पार्किंग में मिली है। यानी क्राइम ब्रांच को यह शक है कि दोनों आरोपी जो है, जो दोनों शूटर हैं, वो इस पूरे मामले में सलमान को 11 अप्रैल को ही फायरिंग करना चाहते थे, टारगेट करना चाहते थे, लेकिन काफी भीड़ होने की वजह से जो है वो उस प्लान को अंजाम नहीं दे पाए। इसके पहले जो जानकारी निकल के सामने आई कि पनवेल को पहले टारगेट किया गया था, पनवेल का जो फार्म हाउस है वहां पर सलमान को टारगेट करने की प्लानिंग की गई थी बिश्नोई गैंग की तरफ से, लेकिन ईद सेलिब्रेशन जो है इस बार पनवेल के फार्म हाउस में सलमान खान के परिवार की तरफ से नहीं रखा गया था, बल्कि उसे चेंज करके जो है सर सोहेल खान के घर पर रखा गया था। हम दोबारा से आपका रुख करेंगे कुछ और डिटेल्स के लिए, लेकिन बड़ी खबर इस बीच एक और सामने आ रही है इससे जुड़ी हुई। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से दोनों शूटर्स की पिस्तौल भी बरामद कर ली है, और वहीं अब पुलिस नदी में आरोपियों के फोन की तलाश कर रही है। इसी फोन से गिरफ्तार दोनों आरोपी अपने आका से लगातार संपर्क में थे। ये भी अब कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है वो पिस्तौल अब पुलिस के हाथ लग चुकी है। दिवाकर, और क्या डिटेल्स मिल पा रही है, क्या क्या पुलिस के हाथ अब तक लगा है? दिवाकर, देखिए, कल से सर्च ऑपरेशन क्राइम ब्रांच का चल रहा है और उसमें से आज जो है दोनों जो बंदूकें हैं, आज तक के सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों बंदूकें क्राइम ब्रांच के हाथ लग चुकी हैं। इसके अलावा 3 मैगजीन जो है वो क्राइम ब्रांच के हाथ लगी हैं। इसके अलावा फोन की तलाशी जो है इस वक्त क्राइम ब्रांच सर्च कर रही है कि फोन भी मिल जाए, क्योंकि उसी फोन से जो शूटर है वो लगातार अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे, और जैसे ही वो सूरत पहुंचते हैं उस फोन को तोड़ देते हैं और फिर दूसरी सिम का इस्तेमाल दूसरे फोन में डालकर वो करते हैं। इसलिए क्राइम ब्रांच उस फोन को जो है तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि उस फोन में बहुत सारे सबूत हैं। अनमोल बिश्नोई से किस नंबर पर बातचीत हो रही थी इन शूटरों की, वो नंबर भी रिकवर हो सकता है क्राइम ब्रांच के द्वारा, और साथ ही साथ इस वारदात को अंजाम देने से पहले और देने के बाद किन लोगों से ये कांटेक्ट में थे उसकी भी जानकारी उसी फोन के जरिए क्राइम ब्रांच को मिल सकती है। यही वजह है कि जो हथियार इस्तेमाल किए गए तो वो तो मिल चुके हैं, लेकिन फोन की तलाश इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है गोताखोरों की मदद से, ताकि वो फोन उनके हाथ लगे। और इस खबर पर अपनी आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले शूटर अब नहीं बचेंगे। मुंबई पुलिस को शूटरों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल गया। शूटरों पर कसा कानूनी शिकंजा, लॉरेंस बिश्नोई पर भी कसेगा महाराष्ट्र पुलिस का फंदा।
सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्तौल मुंबई क्राइम ब्रांच ने बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सोमवार को सूरत की ताप्ती नदी से वो पिस्तौल बरामद कर ली गई, जिससे कि सलमान खान को डराने की साजिश रची गई थी। पुलिस को पिस्तौल के साथ साथ कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार सुबह से ही सूरत में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी मामले में गुजरात के भुज से दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये बताया कि सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले शूटरों को 10 राउंड फायरिंग का आदेश दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने दोनों शूटरों को 10 राउंड फायरिंग करने का आदेश दिया था, इसीलिए दोनों शूटर एक नहीं बल्कि दो दो पिस्तौल लेकर सलमान खान के घर के पास पहुंचे थे। एक पिस्तौल सागर पाल के पास थी जबकि दूसरी विकी गुप्ता के पास। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद शूटरों ने दोनों पिस्तौल को सूरत की ताप्ती नदी में फेंक दिया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि दोनों शूटरों को बंदूकें बिश्नोई गैंग के लोगों ने ही मुहैया कराई थी, लेकिन अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। सलमान के घर पर फायरिंग से पहले एक पिस्तौल लेकर दोनों शूटर बिहार गए थे, जहां पर दोनों ने फायरिंग करने का पूरा अभ्यास किया था। सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के बाद शूटर विकी गुप्ता अपने छोटे भाई सोनू गुप्ता से संपर्क में था और उससे काफी देर तक बात की थी। इसी के आधार पर क्राइम ब्रांच अब भी सोनू गुप्ता से लगातार पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर दोनों शूटरों को गोली चलानी थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से एक ही शूटर गोली चला पाया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में ज्यादातर सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और इसी आधार पर बहुत जल्द मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील करेगी। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 10 लोगों का बयान दर्ज किया है। हालांकि उस कार ड्राइवर का बयान दर्ज कर पाना अब भी बाकी है, जिसकी कार से दोनों शूटर दहिसर से सूरत तक भागने में कामयाब हुए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शूटर सागर पाल ने यह बताया कि सलमान खान को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 6 महीने पहले सितंबर 2023 में संपर्क किया था। हरियाणा में काम करने के दौरान सागर पाल सितंबर 2023 में बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया था। इसके बाद बिश्नोई गैंग ने सागर पाल को सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का टारगेट सौंपा था। टारगेट मिलने के बाद सागर पाल ने विकी गुप्ता को काम दिलाने के बहाने हरियाणा बुलाया था, जिसके बाद अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करने की साजिश का पूरा खाका तैयार कर दोनों को मुंबई रवाना किया। यानी कि सलमान खान को डराने की साजिश गुजरात में रची गई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटरों ने भी गुजरात जाकर पनाह ली।